आप आ जाइए, मिल भी आप आ जाइए, तो स्वागत है। अभी हम लोग के तीन मैडम हैं, वो आने वाली हैं आपके साथ से, आपके डायरेक्टर मैडम भी आने वाली हैं। फिर भी पंकज से तब तक आते हैं, आपको संकोच कर रहे हैं, आप भी आ जाइए। आपको फिर वो आएंगे तो फिर आप लोग इधर आ जाइए। तो सर मैं आप जारी रखें। हाँ, 2 तारीख को हम लोग पहली बार आपसे मिले थे, आपके ऑफिस में एक जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद आपकी अनुमति से 3 तारीख को लोगों के साथ एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम यहाँ हुआ था, और उसमें लोगों ने जो रुचि दिखाई वो 16 तारीख से उनकी कार्यशाला शुरू हुई, और आज 2 तारीख है, और रोज़ हम लोग 7 बजे से लगभग 9:30 बजे तक करने का प्रयास करते रहे, 10-20 मिनट ऊपर नीचे रहा, और लगभग 100 के आसपास लोगों ने उसमें प्रतिभाग किया है। कार्यक्रम तो ऐसा चला है, और इस पूरे कार्यक्रम में हम लोगों ने एक मानव कैसे व्यवस्थित होकर जी सकता है अपने में, उसके स्वरूप पर चर्चा किया है। तो इस पर इस बात की चर्चा हुई है कि हम जिंदगी में चाह क्या रहे हैं, तो ये मुख्य तौर पे हम लोगों ने पहचाना कि हमें हर व्यक्ति सुखी होना चाह रहा है, समृद्ध होना चाह रहा है, और उसकी निरंतरता चाह रहा है। उसके लिए करना क्या होगा उसको भी पहचाना कि हम अपनी व्यवस्था को समझ पाए और उसमें जी पाए, साथ साथ परिवार, समाज, प्रकृति और अस्तित्व की व्यवस्था को समझ करके भी वैसा जी पाए तो हम अपने निरंतर सुखी होने के कार्यक्रम को सिद्ध कर सकते हैं। उस क्रम में हम लोगों ने लगभग इतना दिन लगाकर मानव में व्यवस्था और परिवार की व्यवस्था, मुख्यतः उसमें भाव, 9 भाव, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता और प्रेम, इन सारे मुद्दों पर हम लोगों ने विधिवत चर्चा किया है। और समाज में शिक्षा संस्कार के मुद्दे पर बहुत थोड़ी बात हो पाई है, प्रकृति और अस्तित्व में थोड़ी बहुत चर्चा हो पाई है, थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि पूरी चर्चा के लिए तो 56 घंटे की ज़रूरत होती है, हम लोग को लगभग 20 घंटे मिल पाया था, तो उसमें जितनी चर्चा हम लोग कर पाए वो उतनी बात हो पाई थी। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग मुख्यतः आपके सम्मुख सभी प्रतिभागियों ने जितना सुना है, समझा है, उससे जो अपने विचारों में परिवर्तन उनको महसूस हो रहा है, अपने बेचैनी और अपने आराम की स्थिति में जो उनको परिवर्तन महसूस हो रहा है, इसके साथ साथ जो उनको अपने व्यवहार में परिवर्तन महसूस हो रहा है, ये सबको ध्यान में रखते हुए इनके स्व मूल्यांकन का कार्यक्रम आप लोगों के सम्मुख रखना चाह रहे हैं। तो सभी लोगों को तो उतने समय में हम लोग नहीं आमंत्रित कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को इसमें से जितना भी समय अलाउ करेगा उनको हम लोग एक एक करके आमंत्रित करेंगे, वो अपनी बात को 2 से 2.5 मिनट में लगभग कह दें तो अधिक से अधिक लोगों को हम लोग सुन पाएंगे। तो आप लोगों में से कुछ लोगों को हम लोग नाम लेके एक क्रम से बुलाएंगे, तो इन 15 दिनों में आपने क्या बात मुख्य आपको समझ में आई, उससे आप अपने में कैसा महसूस कर रहे हैं, और उसके आधार पर आपके विचार में, आपके व्यवहार में जो भी आपका परिवर्तन महसूस हुआ है, अगर किसी उदाहरण के साथ उस बात को बताएंगे तो सभी साथी लोगों को उसको पकड़ पाने में आसानी रहेगी। इस अपेक्षा से हम लोग इस स्व मूल्यांकन के कार्यक्रम को शुरू करेंगे, तत्पश्चात फिर आप लोगों के जो स्व मूल्यांकन के ऊपर जो आप लोगों के अनुभव होंगे और दिशा निर्देश होंगे उन सबको हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे, ऐसा कार्यक्रम की रूपरेखा। तो कार्यक्रम के संचालन के लिए उससे पहले मैं हम लोगों के साथ जो अतिथि आए हैं उनका परिचय आप लोगों से करा देते हैं। आप सुनील जी हैं, आप राजस्थान से आए हुए हैं, एक एडवांस कोर्स चल रहा है यहाँ पर, जहाँ पर सांसद भी जा रहे थे उसी कोर्स में प्रतिभागी हैं, और आप ओमवीर जी हैं, कानपुर में ही रहते हैं, और आप धर्मेंद्र जी हैं, कुछ अन्य कार्यक्रमों में भी यहाँ जेल के पहले आते भी रहे हैं, तो कुछ लोगों से हो सकता है इनका परिचय भी रहा हो। सत्यानंद जी पूरे 15 दिन हम लोगों के साथ कार्यशाला में रहे हैं, और पीछे शंकर भैया हैं, वो हम लोगों के अभिभावक के रूप में हम लोग देखते हैं, संरक्षक हैं यहाँ पर, और डॉक्टर पंकज सिंह हैं, हमारे साथ पढ़ाते रहे हैं कॉलेज में, ये आप दूसरे कॉलेज में हैं, मैं दूसरे कॉलेज में आ गया हूँ, आप भी इस तरह के वर्कशॉप का संचालन करते रहे। पीछे हमारी पत्नी भी हैं अर्चना जी, वो भी साथ आई हुई हैं आज, और बाकी नितेश जी हैं, पूरे 15 दिन हम लोगों के साथ बने रहे इस कार्यशाला में, और आप पंकज जी हैं,
ये भी कार्यशाला में पूरे 15 दिन बने रहे। दो लोग और हम लोग के बीच आने वाले हैं, एक डायरेक्टर मैडम जो अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की हैं और एपीएसजी अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में टीम की भूमिका में भी है, तो वैल्यू एजुकेशन सेल की ही टीम है इस विषय वस्तु का जो हम लोग चला रहे हैं। तो हम लोग के बीच थोड़े देर में आएंगे और एक अदिति जी आएंगी जिनके संपर्क से ये सारा कार्यक्रम शुरू हुआ था, ये दो लोग थोड़े देर में आएंगे। तो मैं आगे के संचालन के लिए नीतीश जी को आमंत्रित करूँगा। जी थैंक यू, सभी लोगों को धन्यवाद। नमस्ते सभी को। आज 15 दिन का जो हमारा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज सार्वभौमिक मानवीय शिक्षा मूल्य का जो वर्कशॉप था उसका एक अध्याय खत्म हो रहा है और आप सभी लोग जिसने भी उसको अटेंड किया है उसके प्रति मेरा हृदय से आभार है क्योंकि आप लोगों ने इसको पूरी श्रद्धा के साथ में, साथ ही साथ में हमारे साथ में जो पीटी पांडे सर हैं जेल के अधीक्षक, उनको नमस्कार करता हूँ। उन्होंने हमको आज्ञा दी, अनुमति दी कि हम ये कार्यक्रम आपके साथ में कर सकें, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पांडे सर। साथ में अनिल कुमार सर जी हैं जो कि जेलर हैं। नमस्ते सर, आपके हिसाब से अनिल सर भी आ रहे हैं। अच्छा, राजेश सर हैं, अनिल सर हैं और हमारे साथ में प्रशांत सर हैं, साथ ही साथ में हमारे साथ में कृष्ण मोहन सर हैं। नमस्ते सर। और साइमा जनीश जी शायद जो अभी नहीं है, और मौसमी मैम हैं और चितरंजन सर हैं जो कि हमारे साथ में हैं, और सुशील निरंजन सर जो हमारे साथ में पूरे प्रोग्राम के दौरान जिन्होंने अटेंड किया और पूरी व्यवस्था को उन्होंने संभाला, वो आज किसी कारणवश यहाँ पर नहीं है। उन सभी लोगों को धन्यवाद मैं देता हूँ। और जैसा कि भानु सर ने सबको इंट्रोडक्शन में बता ही दिया कि अभी हम आप में से किसी लोगों को बुलाएंगे और 2 से 2.5 मिनट में आप अपने बारे में बताइए उदाहरण के साथ, तो मैं कुछ लोगों का नाम लूँगा, वो लोग आके इस टेबल पे इस चेयर पे बैठ जाएंगे और अपना अनुभव साझा करेंगे। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, पंकज भैया रिकॉर्ड। ठीक, सबसे पहले मैं सुनील गौतम जी को बुलाना चाहूँगा। भैया आप हेलो। आशा जी सबको मैं नमस्कार करता हूँ। 15 दिन की जो कार्यशाला जो अभी तक हुई उसमें जो हम लोगों ने हम बंदियों ने जो कुछ भी सीखा है उसमें यही है कि ये हमारे लिए और सबके लिए उपयोगी है। इसमें जो बदले की भावना जो थी बदलाव की भावना में बदल गई मेरी, और मैंने जो है बहुत अच्छे से सीखा और आगे भी सीखना चाहूँगा बाहर भी, यही मेरी कामना है। क्या नाम की सर जी को मैं धन्यवाद देता हूँ जो कि जेल में जो है हम बंदियों को ये सीखने को मिला, और प्रशांत सर जी को धन्यवाद देता हूँ जो कि हम लोग के लिए कार्यशाला रखी गई, और सभी जेल अधिकारियों को मैं सम्मानित करता हूँ, सबको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। बदलाव सर क्या लगा, क्या अनुभव हुआ? सर जी बदलाव ये हुआ कि जो सोच विचार हैं उससे हम अपने घर में परिवार में समय जो परिवर्तन ला सकते हैं और सभी को जो है सुखी बना सकते हैं। शिव सिंह यादव जी इनके बाद में कमलेश्वर नाथ जी आइएगा, है ना, तो आप सोच लीजिएगा। किसी के विरोध में ज्यादा बोलता था, उनसे सोचता रहता था कि जो मेरे खिलाफ जितने गवाह थी मैं उसके
बारे में बहुत चिंतित करता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा, मैं उसके साथ ऐसा करूँगा। लेकिन जब से मैंने इस चीज़ को सुना, यहाँ समझा, तो वो मेरे ऊपर की जो विरोधाभास था वो जो मैं उनके खिलाफ सोचता था वो मेरे से खत्म। इनके बाद विनोद।